अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पे। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्विटर आईडी के प्रोफाइल को सेटअप कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आपने ट्विटर के अंदर कोई आईडी बनाया, अगर आपका ट्विटर के अंदर अपना प्रोफाइल है, आपका अगर कोई अकाउंट है और आप उसे सेटअप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आपको प्रोफाइल पिक सेटअप करना हो, अगर आपको ट्विटर के हेडर में यानी कि कवर फोटो आपको अगर अपलोड करना हो, आपको बायोडाटा, इसी तरह से कोई भी वेबसाइट लिंक या कोई भी चीज़ को अगर सेटअप करना हो तो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, शॉर्टली आप ट्विटर में आप कंप्लीट योर प्रोफाइल यानी आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करेंगे, आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीटली सेटअप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है, सीखना है तो वीडियो को फुल देखिए। देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्विटर आईडी के प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए, ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल को फुल्ली तौर से सेटअप करने के लिए आपको करना क्या, ट्विटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यह है ट्विटर ऐप का लोगो आइकॉन, मैं इसे क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। आप भी ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इसका इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आप जो है आपके अकाउंट पर आपका जो आईडी है ट्विटर में, आपका जो प्रोफाइल है जिस आईडी से आप साइन इन किए होंगे, वो आईडी आपके सामने शो होगा। आपको बताते चलें फ्रेंड्स के आपके पास अगर मल्टीपल आईडी है, मल्टीपल अकाउंट है, तो जिस आईडी के प्रोफाइल को सेट करना चाहते हैं, जिस ट्विटर आईडी के प्रोफाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं, उस प्रोफाइल से आप क्या यहां पे क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे, साइन इन कर लेंगे। अब यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस अकाउंट के प्रोफाइल को मुझे सेट करना है, जिस ट्विटर आईडी के प्रोफाइल को मुझे कंप्लीट करना है, उस आईडी से यहां पे मैं साइन इन हूं। उसका लोगो आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ के कोने पे यहां पे आपको दिख रहा है और इस जगह में भी दिख रहा है आपको हो रहा। तो आपको करना क्या है, प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने ट्विटर आईडी के प्रोफाइल के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने किया, यानी ट्विटर आईडी के प्रोफाइल ये है, तो मुझे क्या करना है, आपको इसी जगह में क्लिक कर देना, टैप कर देना है। यहां पे फ्रेंड्स, जो जिस आईडी से मैं लॉगिन हूँ, साइन इन हूँ, उसका प्रोफाइल पिक यहाँ पे शो हो रहा, प्रोफाइल नेम यहाँ पे दिख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रोफाइल का यूज़र जो नेम है वो आप यहाँ पे शो हो रहा। आप एक आईडी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ऐड है, जो कि मैंने ऐड कर रखा है, साइन इन कर रखा है। अगर मुझे इस आईडी को चलाना हो, यूज़ करना हो, तो मैं इसी के ऊपर प्रेस कर दूंगा तो ये आईडी मेरा साइन इन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अगर आपको जानना हो कि आप मल्टीपल ट्विटर आईडी, अगर आपको सीखना हो कि आप एक से ज़्यादा ट्विटर प्रोफाइल कैसे यूज़ करेंगे एक ही फ़ोन में, एक ही ऐप में, तो फ्रेंड्स उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने ट्विटर आईडी के प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करेंगे। कंप्लीट करने के ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप जो है लोगों के ऊपर भी प्रेस कर सकते हैं या फिर प्रोफाइल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको लोगों के ऊपर टैप करके दिखा देता हूं। लोगों के ऊपर मैंने टैप कर दिया, लोगों के ऊपर यूं टैप करेंगे फ्रेंड्स तो सेम यही पेज आपके सामने ओपन होगा, अगर आप प्रोफाइल के ऊपर भी प्रेस करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया, तो प्रोफाइल के ऊपर प्रेस करें या आप अपने प्रोफाइल पिक के ऊपर प्रेस करें, आपके सामने सेम पेज यही वाला शो होगा, यही वाला दिखेगा। अब आप यहां पे अगर आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करके रखे होंगे तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन यहां पे दिखेगा नहीं, ये कंप्लीट योर प्रोफाइल का जो यहां पे आइकॉन दिख रहा है ना आपको, ये शो नहीं होगा आपके प्रोफाइल में, आपके अकाउंट पे। और अगर आपको फ्रेंड्स कंप्लीट प्रोफाइल करके रखे होंगे, अगर आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करके रखे होंगे और आपको अगर बाय चांस कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी आपको अपडेट करना हो, फोटो, बायोडाटा, यूज़र नेम या आपको प्रोफाइल नेम, तो एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एडिट प्रोफाइल के ऊपर भी क्लिक करके दिखाता हूं, और कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर भी प्रेस करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दिया। कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने लोडिंग होने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा लोगो है, प्रोफाइल पिक यहाँ पे सेटअप है। अब मैं आपको जो है आगे जो है एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बैक आ चुका हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे एडिट प्रोफाइल है, एडिट प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्या करा, प्रेस कर दिया। तो एडिट प्रोफाइल के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरह से आपके सामने ये वाला पेज आपके सामने शो होगा। तो अगर आपको प्रोफाइल फोटो अगर आपको अपडेट करना हो, ये प्रोफाइल फोटो
अगर आपको अपडेट करना हो तो ये जो कैमरा वाला आइकन है ना, तो आप क्या करेंगे, कैमरा वाले आइकन के ऊपर प्रेस कर देंगे, दो ऑप्शन शो होगा, टिक फोटो और चूज एग्जिस्टिंग फोटो। अगर आपको फेस टू फेस हैंड टू हैंड कैमरे से फोटो खींच के अपलोड करना हो, सेट करना हो, तो टिक फोटो के ऊपर क्लिक करके कोई भी किसी भी जगह का कोई भी फोटो आप जो है कैमरे से खींच के आप जो है सेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गैलरी से, आपके मोबाइल के मेमोरी से, आपके मोबाइल के फोन के अंदर जो भी फोटोज है उनमें से किसी को, किसी भी फोटो को, किसी भी इमेजेस को, किसी भी लोगों को अगर आपको सेट करना हो, अपलोड करना हो, तो चूज एग्जिस्टिंग फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है आपके फोन की मेमोरी में, गैलरी में चले जाएंगे, गैलरी से कोई भी फोटो आप जो है अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, अपडेट नहीं करना है। आप इसी तरह से अगर आपको कवर फोटो, ट्विटर का कवर फोटो को भी अपडेट करना हो, अपलोड करना हो, चेंज करना हो, तो यहां पे भी जो कैमरा वाला आइकन है इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज आपके सामने शो होगा। यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा शो हो रहा है, रिमूव हेडर। क्या करेंगे आप फ्रेंड्स, रिमूव हेडर। तो ये जो रिमूव हेडर है ना, अगर आप रिमूव हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कवर फोटो में, ट्विटर के कवर में बैक में जो फोटो आप सेट कर रखे होंगे वो रिमूव हो जाएगा, वो यहां से हट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे जो है बायो, आप यहां पे सेट कर सकते हैं बायो। जैसे कि यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं एक चीज, जैसे आई एम, एक एक शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं, आई एम यूट्यूबर। तो जैसे और कुछ आप जो है एंटर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है लोकेशन, तो लोकेशन के ऊपर आप लोकेशन वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो है नियर बाई जो भी लोकेशन रहेगा वो यहाँ पे आपके सामने शो होगा। लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ आपको अपने हिसाब से किसी खास जगह का लोकेशन यहाँ पे अगर आपको डालना हो तो सर्च कर लेंगे। जैसे कि मैंने, चलिए दिल्ली, दिल्ली में सर्च करता हूँ, तो दिल्ली जी हूँ सर्च करेंगे तो दिल्ली का जो भी लोकेशन आपके सामने शो होगा, जिस भी लोकेशन को आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं दिल्ली नहीं करूँगा, यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन बेंगलुरु इंडिया है इसको मैं सेट करके आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपको जो आपका अगर कोई वेबसाइट है, तो फ्रेंड्स वेबसाइट है तो यहाँ पे आप जो है ना उस वेबसाइट का लिंक इस तरह से जो है फ्रेंड्स आप टेक्निकल फरीद friendsTechnicalFarid.com इस तरह से कुछ भी आप जो है जो भी आपका वेबसाइट का वेबसाइट लिंक है, वेबसाइट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स ये सारी चीज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर में देखिए सेव का ऑप्शन है, क्या है सेव का ऑप्शन है, आप क्या करेंगे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर जो प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका वो जो भी आपने यहाँ पे चीज़ सेटअप किया वो सारी चीज़ें सेव हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताते चले फ्रेंड्स, जैसे सेव करेंगे तो आप जो है बैक टू बैक यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंप्लीट योर प्रोफाइल, आपको फिर से मैं कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने लोडिंग होने के बाद, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है जो इससे पहले आपके सामने ओपन हुआ था कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर प्रेस करने के बाद, टैप करने के बाद। अब यहाँ पे अगर इस तरह से भी आप जो है आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अब बताते चले आपको कि यहाँ पे लिखा है पिक अ प्रोफाइल पिक्चर। अगर आपको ये जो प्रोफाइल पिक मेरा सेटअप है मैंने अपलोड कर रखा है, अगर मुझे ये प्रोफाइल पिक यहाँ से हटाना हो, दूसरा कोई प्रोफाइल पिक यहाँ पे अपलोड करना हो, सेट करना हो, तो फ्रेंड्स उसके लिए करना क्या, ये जो लोगो आपके सामने दिख रहा है इसी के ऊपर आप क्या करेंगे, एक बार उंगली प्रेस कर देंगे, उंगली प्रेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन शो होगा सेम उसी तरह से जिस तरह से इससे पहले शो हुआ था, इससे पहले आपने देखा था। टेक फोटो, चूज एग्जिस्टिंग फोटो, कैमरे से फेस टू फेस फोटो आप लेके अपलोड करना चाहते हैं, टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी कैमरे से फेस टू फेस फोटो आप जो है खींच के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोबाइल के किसी भी मोबाइल के गैलरी से, मोबाइल की मेमोरी से या मोबाइल से अगर आपको कोई भी फोटो सेट करना हो तो चूज एग्जिस्टिंग फोटो के ऊपर क्लिक करके आप अपने गैलरी में जाने के बाद कोई भी फोटो सेट कर लेंगे। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे यही फोटो मुझे अपलोड करके रखना है, यही फोटो सेट करके रखना है, तो क्या करेंगे यही रहने देंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट कर देंगे। आप अपडेट करें, चेंज करें, कोई दूसरा फोटो यहाँ पे बदलें या ना बदलें, कुछ भी करें, आप क्या करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने क्या करा, नेक्स्ट के ऊपर प्रेस कर दिया। नेक्स्ट के ऊपर प्रेस करने के बाद आपके सामने अगला पेज ये वाला ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिक अ हेडर, यानी जो आपके पीछे कवर में जो फोटो है, ट्विटर के कवर फोटो जो है, अगर आपको इसको चेंज करना हो, अगर आपको इसको बदलना हो, इसको अपडेट करना हो, तो फ्रेंड्स सेम उसी तरह से फोटो वाले फोटो आप अपने फोटो के ऊपर जो भी आप लगा के रखे होंगे उसके ऊपर प्रेस कर देंगे। जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस कर दिया, एक बार उंगली टैप कर दिया, एक बार उंगली क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दो ऑप्शन फिर उसी तरह से शो हो रहा जिस तरह से इससे पहले शो हुआ और मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी मुझे वही फ़ोटो जो मैंने हेडर में कवर में जो लगा रखा है वही रहने देंगे और फिर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको भी अगर आपको अपडेट करना हो, चेंज करना हो या कुछ भी करना हो या नहीं भी करना हो तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे,
नेक्स्ट के ऊपर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब योर सेल्फ। आप जैसे कि आपके यहाँ पे इससे पहले जो एडिट प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्लिक करा था तो आपको जो बायो ऐड करने के लिए बोला था, और बायो जो मैंने आपके सामने अभी जस्ट आई एम यूट्यूबर जो अभी मैंने आपके सामने ऐड किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको बायो डाटा ऐड करना हो तो इसी तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐड कुछ भी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं शो होगा। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा या कुछ न्यू अगर आपको यहाँ पे ऐड करना हो, या अगर बाई चांस आपने ऐड किया ही नहीं हो कुछ भी नए सिरे से कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रखा था आई एम यूट्यूबर, अब यहाँ पे कुछ और मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे यूट्यूबर एंड ब्लॉगर और कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, एंड फ्रीलांसर कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, आप अपने बारे में या आपके घर के बारे में कुछ भी आप यहाँ पे अपने बारे में टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिख दिया, आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप टाइप करें या ना करें आप क्या करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे फ्रेंड्स अगला पेज यहाँ पे देखिए व्हाट शुड पीपल कॉल यू। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपको यूज़र नेम चेंज करना हो फ्रेंड्स, अगर आपको यूज़र नेम बदलना हो, अभी जो यूज़र नेम है ये अगर आप रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, तो उसके लिए रखना चाहें फिर भी आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं रखना चाहें तो क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसको रिमूव कर देंगे। जैसे कि मैं इसको नहीं रखूँगा तो मैं क्या करूँगा इसको इस तरह से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या करा रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा यूज़र नेम पे मैंने अपना चैनल का जो नेम है वो नेम मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने यूज़र नेम पे यहाँ पे देखिए जो चैनल का नाम है वो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो जो भी आप यूज़र नेम चेंज करना चाहें या ना चाहें, जो भी आप रखना चाहें वो यहाँ पे टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर प्रेस कर देंगे। मैंने क्या करा फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऊपर प्रेस कर दिया। नेक्स्ट के ऊपर प्रेस करने के बाद अब उसी तरह से जिस तरह से इससे पहले आपके सामने आपने देखा था आपके सामने शो हुआ था, यहाँ पे देखिए लोकेशन अब आपको सेट करना है। लोकेशन फिर उसी तरह से अगर आपको सेट करना है जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है क्या वेयर डू यू लिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी लोकेशन सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट है आप क्या करेंगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताते चले यहाँ पे जो लोकेशन मैंने सेट कर रखा है ये लोकेशन अगर यही लोकेशन रखेंगे तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है स्किप फॉर नाउ करना है, क्या करना है स्किप फॉर नाउ करना है। लेकिन अगर आपको ये लोकेशन नहीं रखना है कोई दूसरा लोकेशन आपको जो है एंटर करना है टाइप करना है तो फ्रेंड्स एंटर करके जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्या करा ओनली फॉर बेंगलुरु रखा, तो बेंगलुरु रखने के बाद यानी कि ये अपडेट हो गया चेंज हो गया, पहले कुछ था अब कुछ हो गया। तो आप जो है कुछ भी अलग से रखना चाहते हैं तो टाइप करने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट कर देंगे। फिलहाल फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा बेंगलुरु इंडिया ही रखूंगा, और जैसे कि बेंगलुरु इंडिया पहले था तो बेंगलुरु इंडिया फिर से कर दिया, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन एनेबल था ना वो क्या हो गया ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा एनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर स्किप फॉर नाउ करेंगे सेम आपका यही प्रोसेस, यहाँ पे आप जो है इस पेज में आ जाएंगे योर प्रोफाइल इज अपडेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर प्रोफाइल इज अपडेटेड, यहाँ पे देखिए सी प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आप भी सी प्रोफाइल के ऊपर टैप करने के बाद आपके प्रोफाइल में आप आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने प्रोफाइल को बेहतर तरीके से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल सेटअप हो चुका है। आपको यहां पे बताते चलें कि अगर आपको फिर से नेक्स्ट टाइम कुछ भी चेंज करना हो, बदलना हो, कुछ भी अपडेट करना हो तो फिर से आप एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी चीजें चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको मालूम हो गया हो कि आप जो है आप अपने प्रोफाइल को सेटअप कैसे करेंगे, आप अपने प्रोफाइल ट्विटर प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करेंगे, सीख गए हो समझ गए हो तो फ्रेंड्स और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज तक के लिए यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।